वासुदेव भगवान की जय। गोविंद गोविंद हरे मुरारी गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेती। आश्रम का महीना है शुक्ल पक्ष, आज एकादशी है। आसन के महीने में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है इसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण से राजा युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि हे मधुसूदन, हे वासुदेव जी, कृपा करके ये बतलाइए कि आसन के महीने में शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी है, किस नाम से जानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि राजन, आसन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली जो पापांकुशा एकादशी होती है यह पद्मनाभक संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। पद्मनाभ संज्ञक, पद्मनाभ का मतलब होता है कि नाभि से जो कमल निकला है उस नाभि से जिस नाभि से कमल निकला है उस वासुदेव उन नारायण भगवान का, क्योंकि नारायण भगवान की ही नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है कि जो नारायण अपनी नाभि से कमल की उत्पत्ति करते हैं जिसमें ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, उन वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्र मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करते हैं, यानी कि जो मुनि लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान नारायण भगवान के प्रति जो तपस्या करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, कहते हैं कि उस दिन भगवान श्री गणध्वज को प्रणाम करने से ही फल मिल जाता है, यानी कि नारायण भगवान का दर्शन और उनको प्रणाम करने से जो फल मिलता है वो ये मुनि लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे तब उनको ये पुण्य मिलता था। और आज के दिन जो पापांकुशा एकादशी है इस दिन यदि भगवान नारायण भगवान का दर्शन करने से ही उतना पुण्य मिलता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। आप पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ बतलाए गए हैं, जितने भी धाम हैं, जितने भी देवालय हैं, जितने भी पवित्र स्थान हैं, जहां जहां पर अपन को जीवन में जाना असंभव है, जहां अपन जा नहीं सकते हैं, और उन तीर्थों का सेवन करने से, उन तीर्थों का दर्शन करने से, उन तीर्थों में स्नान करने से, उन देवालयों के दर्शन करने से जो पुण्य हमको मिलता है, आज के दिन पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो फल उनके दर्शन से मिलता है वो फल आज सहज ही नाम लेने से मिल जाता है। जो सांग्र धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। नारायण भगवान जो हैं, ये सर्वव्यापक हैं, और नारायण भगवान की जो आज के दिन उनका स्मरण करता है, चिंतन करता है, उनकी शरण में रहता है, उनके प्रति आसक्ति भाव रखता है, उनको कभी यमलोक नहीं जाना पड़ता। यदि अन्य कार्य से प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले, अन्य कार्य के प्रसंग से, अन्य कार्य का प्रसंग का मतलब होता है कि अनायास, जैसे कि कोई अज्ञान बस व्रत रह ले, कोई और कार्य कर रहा हो उस दिन वह भोजन ना कर पाए और नारायण भगवान का स्मरण कर ले, एकाएक अचानक यदि कोई उपवास रह लेता है, एकादशी का उपवास कर लेता है, तो भी उसे कभी यम यातना प्राप्त नहीं होती है। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है और भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता है, क्योंकि देखो शिव और
नारायण एक दूसरे की निंदा नहीं सुन सकते हैं। जैसे कहते हैं शिव और राम, राम के हृदय में शिव जी का वास है और शिव जी के हृदय में राम जी का वास है। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पालक हैं और एक दूसरे के संहारक हैं, इसलिए एक दूसरे की निंदा नहीं सुन सकते हैं। जो भक्त नारायण भगवान की पूजा करके शिव की निंदा करता है, वह कहते हैं विष्णु लोक में उसकी कोई स्थान प्राप्त नहीं होता है, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव और पाशुपत होकर के भगवान विष्णु की निंदा करता है, वह भी घोर रौरव नरक में डालकर पकाया जाता है। इसीलिए शैव पाशुपत होकर यानी शिवजी का भक्त होकर के विष्णु की निंदा करना, उसमें भी नरक में जाना पड़ता है। जब तक 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती है, 14 इंद्र का मतलब जानते हो, एक मनमंत्र, और एक मनमंत्र में चारों युग यानी कि कल्प होता है। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, शरीर को निरोग बनाने वाली और सुंदर स्त्री धन पुत्र देने वाली है। कहते हैं कि शरीर को निरोग बनाने वाली है एकादशी, जो व्रत होता है मनुष्य को रहना चाहिए, जिससे कि स्त्री और धन और मित्र देने वाली है। जिसके जीवन में स्त्री या पति का अभाव हो, जिसके जीवन में धन, धन का अभाव का मतलब होता है कि हमारे जीवन में समय पर जो वस्तु प्राप्त हो जाए वही धन होता है। धन का मतलब होता है कि कोई रुपया पैसा संपत्ति धन नहीं होता है। मैं मुख्य विषय ये है कि जीवन में समय पर जो वस्तु उपलब्ध हो चाहिए, जो उपलब्धता होना चाहिए वो प्राप्त हो जाए, वह धन होता है। और मित्र देने वाली, मित्र का मतलब होता है हमारे जीवन में सभी का साथ हो, सभी हमारे सहयोगी हो और हमको जब समाज की जरूरत पड़े वो हमारे अनुकूल। एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास विष्णु भगवान की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह पुरुष मातृ पक्ष की 10 और पिता पक्ष की 10 और स्त्री पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार करता है। इसलिए तीन तीन का बड़ा महत्व बतलाया गया है। पिता पक्ष यानी कि दादा परदादा, माता पक्ष यानी नाना नानी और स्त्री पक्ष यानी सास ससुर पक्ष जो होते हैं, उनका भी मनुष्य को पालन पोषण करना चाहिए और कहते हैं उनका भी उद्धार करना चाहिए। इसलिए यह एक जो व्रत है यह तीन पीढ़ियों का उद्धार करता है, पिता पक्ष, माता पक्ष और पत्नी पक्ष। इसलिए पापांकुशा नाम की एकादशी बड़ी ही मुख्य एकादशी है। और कहते हैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को देवधारी चतुर्भुज गरुण की ध्वजा से युक्त जो हार से सुशोभित पीताम्बरधारी भगवान के दूत आते हैं, बैकुंठ धाम को ले जाते हैं। आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से सब मनुष्य पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक को जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, कहते हैं यमराज को कभी नहीं देखता है। एकादशी के दिन मनुष्य को जीवन में कभी न कभी स्वर्ण दान और तिल दान, भूमि दान, गौ दान, अन्न, जल, जूते, छाते का दान करते रहना चाहिए। जो एकादशी व्रत रहते हैं एक बार जीवन में अवश्य करें, उनको यमराज को नहीं, वो कभी यमराज के दर्शन ही नहीं कर सकते, इसीलिए नारायण भगवान के नारायण लोक को प्रस्थान करते हैं। हे दुष्ट दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि यथाशक्ति स्नान दान आदि क्रिया करके प्रत्येक दिन को सफल बनाए। अवंध दिवसम कुर्यात दरिद्रो अपि नृपोत्तमम समाचरण यथाशक्ति स्नान दानादि का क्रिया। इसमें ये लिखा है कि दर्द मनुष्य को भी यथाशक्ति यानी कि दर्द का मतलब होता है, एक होता है निर्धन, एक होता है दरिद्र। निर्धन के पास धन नहीं होता है, दर्द के पास तो धन भी होता है, लेकिन उसके स्वभाव में स्नान दान भजन पूजन जब तप नहीं होता है,
इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है युधिष्ठिर, जो दर्द व्यक्ति है यानी कि धन तो दिया है लेकिन उसको यही समय नहीं होता है कि हम भजन पूजन कब करें कैसे करें, तो उसको ये बतलाया है कि तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति हो तो स्नान दान क्रिया करके प्रत्येक दिन को सफल बनावे, यानी कि प्रत्येक दिन होम स्नान जप ध्यान इत्यादि पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। उन्हें भयंकर में यातना नहीं प्राप्त होती है। लोक में जो मानव दीर्घायु धनाढ्य कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पुण्यात्मा है, ये पूर्व जन्म के पुण्यात्मा है, और जिन्होंने इस जन्म में भी पुण्य किया है वो भी धनवान है निरोग है, और जो पहले के पुण्यात्मा है पुण्यकर्ता है पुरुष ऐसे भी देखे जाते हैं कि इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है कि मनुष्य पाप से दुर्गति में भी पड़ते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में यदि पाप किया है तो उस जन्म में भी भोगना पड़ता है, पूर्व जन्म में जिन्होंने पुण्य किया है तो इस जन्म में वो उसका लाभ भी प्राप्त करते हैं। धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन तुमने मुझसे जो भी कुछ पूछा है कि पापों जो आश्विन के महीने में एकादशी होती है उसका क्या महत्व है, उसके अनुसार मैंने तुमको पापों को सा एकादशी का महत्व का वर्णन सुनाया। अब इसके सुनने से और कथा श्रवण करने से और कथा वाचन करने से दोनों को सर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए नारायण भगवान की जय।